मध्य प्रदेश की सियासत में तेजी से परिवर्तन के साथ ही चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। साथ ही 24 मार्च को उन्होंने अपना बहुमत भी साबित कर दिया। उनके मुख्यमंत्री बनने पर सारे प्रदेश में खुशी की लहर व्याप्त है। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की पूर्णता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच 22 मार्च से पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बहुमत साबित न करने के पहले इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद भाजपा सरकार पूरी तरह से सक्रिय हुई और सर्वदलीय बैठक के बाद एक बार फिर यदि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया बनाए गए। विगत दिनों उन्होंने अपने बहुमत को भी पूरी तरह से साबित कर दिया। हालांकि वर्तमान समय पर कोरोना वायरस को लेकर किसी बड़ी सभा का आयोजन या मंत्रिमंडल का आयोजन वहां पर नहीं हो सकता, इसीलिए अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद काफ़ी उत्साह पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देखना यह है कि आगे आने वाले समय पर मंत्रिमंडल के विस्तार पर कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जिनको मंत्रिमंडल का पद उन्हें मिलेगा और वो सक्रियता के साथ उसे निभाने में कितनी तत्परता दिखाई देते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वायरस को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि किसी भी प्रकार का उत्साह या रैली निकालने की आवश्यकता नहीं है। हमको कोरोना से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से हम सभी को सक्रिय होने की आवश्यकता है। उन्होंने निर्देश जारी कर जबलपुर और भोपाल में प्रशासन को यह निर्देश दिया कि यदि लोग प्रशासन की बातों को नज़रअंदाज करते हैं तो वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लागू कर दिया जाए। उनका यह भी कहना है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना को हराने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, लोगों की मदद लेकर, लोगों का सहयोग लेकर इसे हराने में हम पूरी तरह से सफल होंगे।